तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहले तो अभी देखो ये अरेंजमेंट नया चेंज किया है मैंने, और आई एम वेरी सॉरी कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ देखने में। तो अभी ये वाले अरेंजमेंट के बाद अपने रिव्यूज़ दे सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, फिर इसके बाद अगर और भी होगा तो मैं और भी चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको, आपके साथ अब मैंने शीट शेयर कर दी है। तो पिछली शीट में जब तक शेयर किया था उसमें शायद एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करा दिया था जो आपके 89 क्वेश्चन से बाहर था। अभी मैंने आपके साथ पूरे क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं ना, वो आप देखिए, और फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिक्कत नहीं आएगी। इट इज़ माई गारंटी कि इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। आप चाहे कोई भी किसी का वीडियो उठा के देख लेना, जितना कैलकुलस मैंने कवर किया है, जितना अलजबरा कवर किया है, या जितने आगे मैं आपके साथ कैलकुलस अलजबरा के और भी क्वेश्चन शेयर करूँगा, तो उतना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको कोई एक ही वीडियो कंटेंट में इतना मैथ्स आपको मिल जाए। इतना मैथ्स में तो सिलेबस ख़त्म हो जाता है लोगों का। आप देखोगे ना जितने घंटे की मैं मैथ्स ले रहा हूँ उतने में तो सिलेबस ख़त्म हो जाता है। पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपका एक एक पॉइंट कवर हो, मैं कुछ भी स्किप नहीं करूँगा। अगर कुछ भी टॉपिक अगर थोड़े भी रह गए हैं जो गेट के बाहर हैं या जो गेट में आने के चांसेस हैं, तो भी हम लोग लास्ट में पूरे कवर करेंगे। बट आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली कि इतना सिलेबस कोई नहीं करेगा आपका, ठीक है ना, देन ट्रस्ट मी। और अगर बोर्ड अरेंजमेंट में अभी इस बार भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगे तो गिव मी द रिव्यूज़, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके लिए मैं चेंज कर पाऊँ। अभी थोड़ा सा देखो लॉकडाउन भी है तो अभी इतना ही अरेंजमेंट मिल पाता है ना। तो आप कहोगे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। ये वाला वीडियो देखो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन इज मैंने शायद 52 करा दिया था आपको। अब आप क्वेश्चन नंबर देखो। अच्छा, बाकी क्वेश्चन जिसमें एक जैसे हैं वो पूरे मैं नहीं कराऊंगा, बट आई विल ट्राई कि मैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 59 इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। और यहाँ शायद रात में इस टाइम यहाँ रिफ्लेक्शन आता है, तो मैंने यहाँ गेट मैथ्स लिखा हुआ है, ये गेट मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपके शीट का आप देखेंगे। तो कंसिडर अ कंपनी दैट असेंबल्स कंप्यूटर, एक कंपनी है कि जो कि कंप्यूटर्स को असेंबल करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी असेंबली ऑफ एनी कंप्यूटर इज पी। तो हो सकता है कि जो कंप्यूटर असेंबल किया हो वो या तो हो सकता है कि फॉल्टी हो या वो बिल्कुल ठीक हो। तो अगर वो कंप्यूटर फॉल्टी है तो उसका प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है पी, ठीक है। और आगे देखो क्या दिया है, द कंपनी देयर फॉर सब्जेक्ट ईच कंप्यूटर टू अ टेस्टिंग प्रोसेस। तो कह रहा है कि एक प्रोडक्ट बनाती है जो कि फॉल्टी हो सकता है या नॉन फॉल्टी हो सकता है, तो दोनों चांसेस हैं। तो क्योंकि एक कोई प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट की बात है, या तो सही भी हो सकता है या उससे थोड़ा सा उसमें कमी हो। तो कमी है अगर फॉल्टी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी है। तो अगर कमी नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज 100%। तो अगर एक फ्रैक्शन पी है तो अगला क्या हो गया, 1 माइनस पी। अब क्योंकि फॉल्टी आ सकता है तो उन्होंने अपना एक टेस्टिंग प्रोसेस कर रखा है, ठीक है। तो फॉल्टी भी टेस्ट होगा और नॉन फॉल्टी भी टेस्ट होगा। तो टेस्टिंग प्रोसेस बोलता है कि दिस टेस्टिंग प्रोसेस गिव द करेक्ट रिजल्ट फॉर एनी कंप्यूटर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू। के जो आपका टेस्टिंग प्रोसेस हुआ, अब हो सकता है कि उसका रिजल्ट जो है वो करेक्ट आ जाए या उसका रिजल्ट जो है वो इनकरेक्ट आ जाए, ठीक है, यही हो सकता है। ऐसे ही नॉन फॉल्टी केस में भी करेक्ट रिजल्ट भी आ सकता है और इनकरेक्ट रिजल्ट भी आ सकता है, इनकरेक्ट रिजल्ट भी आ सकता है। तो कहता है अगर फॉल्टी प्रोसेस या जो प्रोडक्ट को टेस्ट किया तो उसकी करेक्टनेस का चांस इसने दे रखा है वो है क्यू। तो क्यू है करेक्ट होने का चांस, तो करेक्ट होने का चांस अगर क्यू है तो इनकरेक्ट होने का चांस क्या हो गया, 1 माइनस क्यू। ऐसे यहां भी करेक्ट होने का चांस क्यू है और इनकरेक्ट होने का चांस क्या हो गया, 1 माइनस क्यू। तो प्रोडक्ट चाहे फॉल्टी हो कि नॉन फॉल्टी हो उसको चेक तो करना ही, क्योंकि पता थोड़ी है कि फॉल्टी है या नहीं है। तो ये आपका डायग्राम बन गया कि हो सकता है कि फॉल्टी आया और नॉन फॉल्टी आया, दोनों को चेक किया, फॉल्टी में भी करेक्ट आंसर आ सकता है और इनकरेक्ट आंसर आ सकता है, नॉन फॉल्टी में भी करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों आंसर्स आ सकते हैं। अब आप देखिए कि आपको पूछा क्या है लास्ट में, देखिए वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर बींग डिक्लेयर्ड फॉल्टी, कि जो कंप्यूटर है आपका वो उसको फॉल्टी डिक्लेयर कर दें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप एट द एंड कब फॉल्टी कहोगे, कि अगर वो खुद कंप्यूटर फॉल्टी है और रिजल्ट करेक्ट बता रहा है तो
तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर फॉल्टी है, तो एक तो ये केस हो गया फेवरेबल कि इसका एंड में आप कहोगे कंप्यूटर भाई फॉल्टी है। अब अगर नॉन फॉल्टी था, नॉन फॉल्टी में अगर आपको क्या आया नॉन फॉल्टी का करेक्ट रिजल्ट आया तो नॉन फॉल्टी आ गया, पर अगर इनकरेक्ट रिजल्ट आ गया तो जो इनकरेक्ट रिजल्ट है वो भी तो क्या बोल रहा है कि आपको कि इसका मतलब क्या है कि इसने नॉन फॉल्टी को भी क्या बोला फॉल्टी है, तो ये वाला केस भी आपको क्या बताएगा कि कंप्यूटर फॉल्टी है। तो कंप्यूटर फॉल्टी होने का चांस या तो ये है या ये है, तो इसको कैसे पढ़ोगे आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज फॉल्टी, पहले आपने देखा तो कंप्यूटर फॉल्टी था एंड टेस्ट रिजल्ट इज करेक्ट, और इसको क्या पढ़ोगे कि प्रोबेबिलिटी है जो कंप्यूटर के नॉन फॉल्टी है, पर नॉन फॉल्टी को भी फॉल्टी कब बोलोगे जब टेस्ट ने बोला इनकरेक्ट रिजल्ट दे दिया टेस्ट ने एंड इनकरेक्ट रिजल्ट एंड इनकरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये क्या आएगा P ऑफ A एंड B, तो P ऑफ A एंड B इज P ऑफ A इंटू A गिवन B, ये भी P ऑफ A एंड B, P ऑफ A इंटू A गिवन B, तो ये हो जाएगा आपको P इंटू Q प्लस वन माइनस पी इंटू वन माइनस क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा, वन माइनस पी इंटू वन माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका, तो इसका आंसर देखो ऐसा एक दे रखा होगा, तो आंसर ए आपका करेक्ट आंसर है 59 क्वेश्चन का, ए इज करेक्ट आंसर, लेट मी चेक, ओके 59 का करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 63, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में आपके पास क्या है, देखिए टू व्हाइट एंड टू ब्लैक बॉल्स कीप्ड इन टू बिन्स, तो दो व्हाइट बॉल्स हैं और दो ब्लैक बॉल्स हैं, टू व्हाइट बॉल्स, ठीक है, तो दो तो व्हाइट हैं आपके पास और दो ब्लैक बॉल्स, ठीक है, इनको बिन में रखा गया है, अरेंजमेंट में आपको दे रखे हैं, आर कैप्ड इन बिन आर अरेंज इन फोर वेज एज शोन बिलो, इन ईच अरेंजमेंट अ बिन हैज टू बी चूजन रेंडमली, तो प्रत्येक अरेंजमेंट पहले आप क्या करोगे एक बिन को चूज करोगे, दो बिन्स में रखी हुई है तो एक बिन आप चूज करोगे रेंडमली, हैज टू बी चूजन रेंडमली एंड ओनली वन बॉल नीड्स टू बी पिक रेंडमली फ्रॉम द चूजन बिन, तो आपने सबसे पहले तो क्या किया कि जैसे चार ए ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी, तो मैं अगर ए की बात करूँ तो इसमें दो बिन्स हैं, तो पहले आपने चूज की बिन, तो हो सकता है कि बिन वन आ जाए या बिन टू आ जाए, बिन मतलब एक बास्केट है, बास्केट में बॉल्स है, तो दो बास्केट है इसमें अलग अलग बॉल्स रखी हुई हैं, तो पहले आपको इन दोनों में से कोई बास्केट चूज करनी है, तो पहली बास्केट के आने का चांस होता है हाफ, दूसरी बास्केट के आने के चांस भी हाफ, ठीक है, फिर बास्केट में से आपको बॉल निकालनी है, और बॉल कैसे निकालनी है वो आपको दे रखा है कि बॉल आपको निकालनी है ओके। तो कहाँ था मैं, यहाँ पे था, तो अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में, इन ईच अरेंजमेंट अबाउट ओनली वन बॉल नीड्स टू पिक रेंडमली फ्रॉम द चूजन बिन, एक बॉल निकालनी है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ वाइट बॉल पिक्ड, कि आपकी वाइट बॉल आ जाए उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी चाहिए, पहले बिन में देखो आपने बिन वन या बिन टू में से कोई चूज किया, अब बिन वन में देखो मेरे को एक वाइट बॉल और एक ब्लैक बॉल मिल रही है, तो बिन वन से व्हाइट बॉल आने का चांस या ब्लैक आ सकती है, तो अगर बिन वन चूज की तो उसमें व्हाइट बॉल आने का चांस है 1/2 क्योंकि एक ही बॉल है, और बिन टू बिन वन से ब्लैक बॉल आने का चांस है हाफ, ऐसे बिन टू से भी क्या आ सकती है व्हाइट और ब्लैक, तो व्हाइट आने का चांस है बिन टू से हाफ और ब्लैक आने का चांस है बिन टू से दैट इज हाफ, है ना, हाफ कैसे आ रहा है, एक ब्लैक बॉल बाय टोटल टू, वन व्हाइट बॉल बाय टोटल
टू, ऐसे हाफ आ रहा है, ठीक है। तो वाइट बॉल आने का चांस क्या हो गया, या तो ये फेवरेबल हो गया या ये फेवरेबल हो गया। इसका मतलब क्या हो कि बिन वन से वाइट बॉल आ जाए, और ये क्या है, बिन टू से वाइट बॉल आ जाए। तो क्या क्या चांस हो गया, एक तो हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2, है ना भाई। ये आ गया, ये बिन वन को सिलेक्ट करने का चांस हो गया, ये बिन टू को। अब अगर बिन वन गिवन है, इसको कैसे पढ़ते हो आप, कि गिवन आपको बिन वन है तो प्रोबेबिलिटी आने की किसकी, वाइट बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे बिन टू अगर आपको गिवन है, सॉरी बिन वन गिवन है और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। ये क्या है, बिन टू गिवन है और वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बिन टू गिवन है और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम बिन वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम बिन टू। मेरे शब्द ध्यान सुनना, आपको समझ में आएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 इज हाफ, ठीक है। ये तो ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन में देखो क्या है, बी में पहले में तो दो वाइट बॉल्स हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो पहले में तो दो वाइट बॉल्स हैं, तो बिन में तो बिन वन में जो बी ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में से कुछ भी चूज करो वाइट ही आएगी, तो 100% चांस है वाइट बॉल के आने का, 2/2 दैट इज 1, और 0 चांस है ब्लैक बॉल आने का। ऑप्शन नंबर बी में सेकंड बिन देखो, उसमें दोनों ब्लैक बॉल है, तो वाइट बॉल आने का चांस 0 हो गया और ब्लैक बॉल आने का चांस हो गया 1, ठीक है। तो वाइट बॉल आने का चांस क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में बिन वन से वाइट बॉल आए, दैट इज 1/2 × 1 प्लस 1/2 × 0, क्योंकि बिन टू में तो वाइट बॉल है ही नहीं, तो इसका भी क्या आंसर आ गया, हाफ आ गया। तो ये दोनों तो बराबर आ गए। सी देखो, सी वाले में क्या आएगा, सी वाले में पहली बिन में एक ही वाइट बॉल है, तो एक वाइट बॉल ही है, एक ही चूज करनी है, तो ये तो वन ही आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको मिटा देता हूँ, डायग्राम मैं अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, उसी एक ही डायग्राम को बार बार मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये प्रोबेबिलिटीज मिटा देता हूँ बार बार। तो अब ये वाला देखो, सी में पहली बिन में एक ही वाइट बॉल है, तो वाइट बॉल ही निकलनी है, ये वन हो गया वाइट बॉल आने का चांस, और इसका 0 हो गया, 100% हो गया ना भाई, 1/1। और बिन टू में है आपके पास एक वाइट बॉल और दो ब्लैक बॉल, तो वाइट बॉल आने का चांस क्या हो गया, 1/3, और ब्लैक बॉल आने का चांस क्या हो गया यहाँ पे, 2/3। तो टोटल चांस क्या हो गया, वाइट बॉल या तो बिन वन से आए, तो वाइट बॉल आने के चांसेस क्या हैं, एक तो ये फेवरेबल है और ये फेवरेबल है हर बारी, तो वाइट बॉल फ्रॉम बिन वन इज 1/2 × 1 प्लस 1/2 × 1/3 दैट इज 1/6। तो ये आ गया आपको हाफ प्लस 1/6, ये जो ऑप्शन है ये 1/6 ज्यादा आ गया पहले दो ऑप्शन से। तो अभी तक तो आंसर सी ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप पूछा था कि वाइट बॉल के आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस केस में आएगी, ठीक है। और डी वाला ऑप्शन अब देख लेते हैं हम लोग एक बार, अभी इसको मिटाता हूँ, ये हाफ प्लस 1/6 ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं वापस, इसको मिटा रहा हूँ। तो आप भी बेटर हमेशा पेंसिल से काम करा करो एग्जाम में, पेंसिल से नहीं तो, क्योंकि चार डायग्राम थोड़ी बनाओगे तुम बार बार, तो हो गया काम, पेंसिल से बनाओ या साइड साइड में लिखते जाओ, ठीक है। अब क्या है, डी ऑप्शन में क्या आएगा कि बिन वन में तो एक ब्लैक बॉल है, तो एक ही ब्लैक बॉल है, तो 100% चांस हो गया ब्लैक आने का, 0% चांस हो गया वाइट आने का। जब बिन में वाइट बॉल है ही नहीं, तो उसका आने का चांस भी 0 हो गया। बिन टू में दो वाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, तो वाइट बॉल आने का चांस 2/3 और ब्लैक बॉल आने का चांस क्या हो गया, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल क्या हो जाएगा डी वाले ऑप्शन में, कि बिन वन से आए, तो अब बिन वन में तो वाइट बॉल है ही नहीं, तो 0 हो गया, प्लस बिन टू चूज हो और बिन टू में है वाइट बॉल, तो 2/3 × 1/2 दैट इज 2/3 × 1/2 इज 1/3। और ये भी क्या है, ये 1/2 से भी कम हो गया ना, ये तो बेटा, तो ये 1/2 से भी कम हो गया, ये तो ये 33% है, 1/2 इज 50%, और एक था हमारे पास 1/2 + 1/6, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया, सी वाला ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट आ गया, तो सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ और देखते हैं, अब काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, तो और लेट मी चेक।